आगे बढ़िए। मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए फैसला हुआ है। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम तैयार करेगी सरकार, बैकलॉग के पदों पर सरकार भर्ती करेगी। कैश लोडिंग वाहन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, 5 करोड़ से ज्यादा का कैश लोड नहीं होगा, तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला है जिसमें राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए भी पर भी मोहर लगी है कि कैसे रोकी जाएगी, इस पर भी सरकार काम करेगी। साथ ही स्मार्ट पीडीएस सिस्टम तैयार करेगी सरकार, इस पर भी सहमति बनी है। बैकलॉग के पदों पर भी सरकार भर्ती करने जा रही है। बैंकों की गाड़ियों में नगद पैसों का ट्रांजिशन बहुत हो रहा है, तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं वो इसमें काम करती है, उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ियों में GSP हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं ले जा सकें। बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे, पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं, 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है, एक वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। है कि एक व्यक्ति एक राशन कार्ड और वह राशन कार्ड कहाँ पर भी जाए वो चले, इसके लिए बहुत ज़रूर है कि इसको स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बनाएं। और खबर ग्वालियर से है जहां बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और सभी बच्चों की हालत खतरे से हालांकि बाहर बताई जा रही। मुहर्रम के जुलूस में इन्होंने खाना खाया था, 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं बताया जा रहा करीब। और इतना ही नहीं, मुहर्रम के जुलूस के दौरान खाना खाने के बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं, सभी बच्चों की हालत हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबर इंदौर से है जहां आत्महत्या से पहले का वीडियो सामने आया है। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाया, पत्नी सास और साले पर गंभीर आरोप लगाए, तीनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया शख्स ने और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। वीडियो के बाद फांसी लगाकर शख्स ने जान दे दी। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी भट्टे की ये घटना। दूसरे की औरत थी, मैंने इसको रखा 8 साल से बच्चा बड़ा करा, इसने मेरे को बहुत तारीफ कर दिया, मैं इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे भाई लोग इन लोगों को सजा दिलवा है, ठीक है, और मैं आज जा रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार। खबर उज्जैन से। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां ताजिया के नीचे दबने से 6 लोग घायल हो गए जिनमें पुलिस के 3 जवान भी थे। हालांकि हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, तो वहीं पुलिस को भारी भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां ताजिया निकालने के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा, 6 लोग घायल हो गए ताजिए के नीचे दबने से, जिनमें पुलिस के 3 जवान भी शामिल। इधर इंदौर में 14 लोगों ने घर वापसी की है, इस्लाम धर्म छोड़ सनातन में वापस लौट आए हैं। खजराना गणेश मंदिर में ये घर वापसी हुई है, दर्शन पूजन के बाद इन सभी 6 लोगों ने घर वापसी की, मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। 14 से 15 लोगों ने घर वापसी हुई है आज, और पूरी पूजा पद्धति के माध्यम से और हवन कुंड और सारी व्यवस्थाओं के और सनातन धर्म में अपनी स्वेच्छा से सबने प्रवेश किया है। और उसके उपरांत से ही जब मैंने सनातन धर्म में प्रवेश किया है, उसके उपरांत से ही मेरे घर पर, क्योंकि पथराव और हमले आप लोगों को विषय में सब जानकारी में है, धमकी भरे फ़ोन कॉल के माध्यम से और काफ़ी सारे मेरे ऊपर ऐसे विषय चलते रहे हैं, आते रहे हैं, और मुझे और भाई साहब माननीय संतोष शर्मा जी को गला काट के फेसबुक पर डालने वाली ऐसी धमकियां मिलती आ रही हैं। मैं तो उनका सपोर्ट कर रही हूँ, हर चीज़ में उनका सपोर्ट करूँगी, आखिरी दम तक करती रहूँगी, और अच्छा लगता है सब चीज़ें देखना करना। हिंदू धर्म क्या अच्छा लगता है? पूजा पाठ करना अच्छा लगता है,
सब चीज़ें अच्छी लगती है, मंदिर आना अच्छा लगता है। किसी प्रकार का कोई डर और भय? हाँ डर तो है, जहाँ रह रहे हैं उस लोगों से डर है, आने जाने में दिक्कत है, पथराव भी करे उन लोगों ने हमारे यहाँ पे। 14 से 15 लोगों ने घर वापसी की। किसी प्रकार का कोई डर? जी डर तो है। संख्या मिलती है? जी मिलती है। किन चीज़ों से प्रभावित हुए थे? सर मैं हिंदू धर्म से प्रभावित हुई थी, मैंने हरि नारायण सर, संतोष सर और अभिषेक सर से इसके बारे में सुना और मुझे अच्छा लगा। मैं पहले से भी देखती थी टीवी वगैरह में तो मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने घर वापसी की है सनातन धर्म में। 18 लोगों ने घर वापसी की है, 14 मुस्लिम से हिंदू बने हैं, सनातन उन्होंने अपनाया है और चार लोगों का पवित्रकरण हुआ है। कहाँ कहाँ से? सब इंदौर के ही हैं। विधर्मियों का काम है धमकी देना, हमारा काम है काम करके देना। हम तो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आप खुद भी करते हैं कि पवित्रकरण और घर वापसी हो रही है, लगातार सनातन में होती रहेगी। जितने लोग जो सनातन में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो आए। हमारा काम है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का उनका सहयोग करना, उनकी सुरक्षा करना, उसके लिए हम तत्पर हैं और करते रहेंगे। और अब रुकेंगे टॉप 20 का।